सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में खुलने वाले एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट को लेकर जिस तरह से ग्रामीणों में विरोध लगातार देखा जा रहा है और ग्रामीणों की बैठकों के दौर के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के द्वारा प्लांट नहीं खुलने का समर्थन किया था, जिसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र में खुलने वाले प्लांट को नहीं खोलने का समर्थन करते हुए कहा कि अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से यह बात सामने आई थी और ग्रामीणों ने एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का विरोध कर रहे हैं, जिसका मैं समर्थन करता हूं। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण फैक्ट्री के विरोध में है और ग्रामीण जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बहरहाल, इस एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री का खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा समर्थन के बाद ग्रामीणों में नहीं खुलने को लेकर नई उम्मीद जगी है। जहां ग्रामीण द्वारा पूर्वजों के समय से खेती करते आ रहे उसका अस्तित्व बचा रहेगा। मीटिंग तो सर इसलिए किए हैं हम, जहां यहां एल्यूमिना फैक्ट्री बन रही है उसके विरोध में मीटिंग किए हैं सर। क्या चाहते हैं तो? फैक्ट्री हटाना चाहते हैं सर। क्या कर रहे हैं उसको लेकर? हम उसको लेकर देखिए, आज तो मीटिंग में चर्चा यही कर चुके हैं हम। मैं गांव वालों के साथ हूं, मेरे पास आज तक कोई वहां के गांव वाले आके मेरे से किसी ने बात नहीं की है, तो मैं उनकी राय या उनकी मंशा नहीं जानता और अमूमन मैं कभी दखल भी नहीं करता किसी भी मामले में जब तक कि क्षेत्र के लोग, उस गांव के लोग आके अपनी बात नहीं रखते। तो अभी तक जो भी वो पहल कर रहे हैं अपने तही कर रहे हैं, मेरे पास आज तक कोई गांव वाले नहीं आए। लेकिन वो आए या नहीं आए, जब जैसा गांव वाले चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए। हम लोग फैक्ट्री को रोकने के लिए यहाँ शामिल हुए हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा का प्रस्ताव भी हमारे सरपंच साहब कर चुके हैं, है ना, और हमारे तहसील में भी पास कर चुके हैं। हर जगह हम लोग का कोई सुनाई नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्री नहीं चाहिए। तो फैक्ट्री खुली तो क्या नुकसान हुई तुम्हारा? फैक्ट्री हमको खुल रहा है तो हमारा देखिए जलवायु शुद्ध नहीं मिल रहा है ना, हम लोग को पानी कुछ नहीं अच्छा से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्यों खुलने देंगे? जब हम लोग को फायदा नहीं तो हम लोग बिना फायदा का क्यों खुलने देंगे? क्यों खुलेगा? तो जन सुनवाई हो रिश्ते में तो हम लोग बोले हैं कि हम लोग को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कलेक्टर एक अंधा अनसुना होने के कारण हमको न्याय न देकर अपना चलते बना भग गया। हम लोग जन सुनवाई में सुना ही नहीं, नहीं तो हम लोग पूरा गांव जन सुनवाई में हम लोग बोल चुके हैं कि हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री से कोई फायदा नहीं। हमारे फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि तुमको ये नौकरी चाहिए, हम लोग नौकरी नहीं चाहिए, हमारा पूर्वज से हम लोग नौकरी नहीं कर रहे, हम लोग खेती में जी रहे हैं। आपके बतौली में जबरदस्त विरोध है, 8 गांव के ग्रामीण घेराव कर रहे हैं। हाँ, मैं भी समाचार पत्रों में और टीवी चैनल इसमें देखा हूँ। अभी ग्रामीण जब उनसे बात करेंगे, जो अगर ग्रामीण सहमत होंगे तभी होगा, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। तो उसमें आरोप भाजपा लगा दी कि आपकी उसमें भाजपा में और आपके करीबी नेता जो है जमीन बेचवा रहे हैं। जमीन बेचवा रहे हैं, मैं बाकी चीज़ नहीं जानता। मैं जहाँ रहना है हम उन्हीं के पक्ष में रहेंगे, हम ग्रामीण ग्रामीण नहीं नहीं कंपनी तो आएगी जाएगी, ग्रामीण वहीं रहेंगे, हम ग्रामीणों के साथ। कई बार परेशानी आई, एक मिनट